वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज रविवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की सुखार पंचायत में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सुनने का प्रभावी मंच बताया है। राकेश पठानिया ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के निदान में प्रदेश सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्रामीण लोगों को अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की कुल 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निदान किया गया। इनमें ग्राम पंचायत सुखार, चरुड़ी, अनोह, पंजाहड़ा, अगार, धनेटी, गयोरा, भलेटा, कमलाला, जाच, बासा, वजीरा तथा बासा पंचायत के लोग शामिल रहे, जिसमें करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। वन मंत्री ने बताया कि कांगड़ा जिला में वन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से जायका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लागू होने से जहां वन क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं ग्रामीण लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। पठानिया ने बताया कि इस परियोजना के तहत जिला में ग्रामीण कमेटियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक कमेटी द्वारा 2-2 स्वयं सहायता समूहों को अपने साथ जोड़कर लगभग 30,000 महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इन कमेटियों तथा स्वयं सहायता समूहों का सहयोग नर्सरी विंग तथा वन क्षेत्र को बढ़ाने में भी लिया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना के तहत नूरपुर, धर्मशाला एवं पालमपुर तथा देहरा वन मंडलों को चयनित किया जा रहा है। इन मंडलों में स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लोगों की आजीविका को ऊपर उठाने एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग जल्द ही अपना एक नया नर्सरी विंग भी प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि वन विभाग को उच्च गुणवत्ता की पौधा मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ आयु सीमा को 60 वर्ष करने तथा आय सीमा की बंदिश को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रतिवर्ष मुफ्त में मिलने वाले 2 रसोई गैस सिलेंडर की जगह अब 3 गैस सिलेंडर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 60 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। इसके साथ जहां पहले हिमकेयर कार्ड को हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ता था, अब यह 3 साल तक मान्य होगा तथा इसका पंजीकरण हर साल जारी रहेगा। राकेश पठानिया ने बताया कि जिला में पिछले 4 वर्षों के दौरान हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 67,000 गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिनमें से नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही 5100 गैस कनेक्शन महिलाओं को वितरित किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिला में 25,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जिला में के 65,000 नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड के दौरान विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट जारी रखा गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजना के कार्य प्रगति पर तथा विकास कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे पहले वन मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर एक बूटा बेटी के नाम पौधा भी रोपित किया। इस मौके पर वन मंत्री ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 96 महिलाओं को गैस कनेक्शन भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त 6 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर तथा अन्य उपकरण भी भेंट किए। बेटी है अनमोल योजना के तहत 10 बेटियों को FDR तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 5 बेटियों के शादी के लिए 3100 रुपए की राशि के लिए चेक वितरित किए। उन्होंने इस मौके पर 23 लाभार्थियों को आपदा राहत राशि तथा मुख्यमंत्री राहत राशि के 20,00,000 रुपए के चेक भी वितरित किए। इस दौरान जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 43 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 40 समस्याओं का निपटारा मौके पर कर दिया गया। शेष का निपटारा अगले 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सत्रह में बोरवेल के लिए अप्लाई किया था। मैंने 5,000 रुपया जमा कराया था। पंचायत में लेटर आ गया था कि किसी का कोई इंतजार तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोरवेल लगवा लिया है। मुझे सब्सिडी मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिली है। दुकानों में रह रहे हैं और
तब से लेकर के रह रहे हैं। ना जाने कौन सा तरीका लगाया राजस्व विभाग ने कि ये मकान किसी और के नाम कर दिए और उन्होंने हमारे को मुकदमा दर्ज कर दिया अदालत में। हमने कई बार प्रार्थना पत्र डाले हैं, 1100 नंबर किया है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है, लेकिन हमें उसका रिकॉर्ड नहीं प्राप्त होता है। हम रिकॉर्ड करते हैं, कई बार लिख चुके हैं सर। कभी हुई तो मेरा 5 साल हो गए बोलते हुए, मेरा काम है अरविंदर सिंह नाम है सर। और सर दूसरी बात यह है कि मैं IITB में था पहले, 85% मेरी डिसबिलिटी आप मेरे को निकाल दिया गया है अरविंदर सिंह सर। इसमें तो नाम नहीं है, बताइए नौ नंबर पे सर। और सर दूसरा, मेरी लड़की की शादी है अभी 21 तारीख को और मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा था सरकार का शोभन योजना का वो भी नहीं मिल रहा है इसी की वजह से, और मेरा आदमी से लगी हुई है। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।